आज हम लोग को आप सभी का हम दिखाएंगे बम्बू सूट कैसे बनाता है। आप देखिए, पहले बम्बू को चमड़ा निकलने के बाद फिर धुलाना है। धुलाने के बाद इस प्रकार से भाग में कट देना है। अपना जितना शेप में ले सकते हैं आप ले लीजिए, ऐसे भाग में ऐसे कट लीजिए आगे। इसमें ये चलेगा, लंबा होने से भी थोड़ा लंबा है चलेगा। इसके बाद काटने का बीच से फिर काट दीजिए। थोड़ा सा गीला होगा ये, कोई बात नहीं, ये गीला ही होता है। इसके बाद इसको ऐसे पारना है छोटा छोटा। इसका फ्राई करके खाने से बहुत टेस्टी होता है। तेल का साथ फ्राई करने से खाने से बहुत टेस्टी होगा। आगे हम देखेंगे। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में। ये देखिए, बहुत छोटा छोटा हो चुका है। और भी करना है हमको। आप जितना छोटा करेंगे करेंगे उतने पकने में भी अच्छा होगा और आपको खाने में भी अच्छा रहेगा। इसको बीच से कटेंगे क्योंकि ये ज़्यादा क्या हो गया, बड़ा हो चुका है, इसलिए ये खाने लायक नहीं है। इसलिए क्योंकि खाने लायक बड़ा हो गया, क्यों, इन द सेंस ये बहुत तान है, बम्बू बन चुका है आधा, जो ये बुरा हो गया, इसलिए बुरा वाला को नहीं काटा। जहाँ कोमलिया है, कोमलिया बाग को इसको काट के निकल दिया मैंने। फिर इसके बाद इसको छोटा छोटा नीम कर दिया। आगे देखिए, इसके बाद इसके साथ हम ऑनियन और चिली चिली ड्राई चिली साथ में हम फ्राई करके खाएंगे। सिर्फ इसमें ये दोनों चीज़ डालना है। आप भले इसके साथ आप सभी को थोड़ा पहले दिखाया था, अभी बम्बू सूप मैंने फ्राई किया है। देखिए इस प्रकार से बन चुका है, जो छोटा छोटा नीम किया था अभी ये कर चुका है। थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और फिलहाल ये हमें थोड़ा सा जला हुआ है क्योंकि फ्लेम को मैंने बंद करना भूल गया। देख लीजिए कितना टेस्टी लग रहा है। अभी देखिए खाने देखने में इतना टेस्टी है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। आप लोग अपना घर में लॉकडाउन टाइम में ये सब बना के खाइए, कोरोना जल्दी भाग जाएगा। धन्यवाद।